हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज द यूट्यूब बॉय वीडियो। दो मैच जीत चुके हैं लगातार, हर तरफ हो रहा है जय जय गर्मी गुजरात। चाहे लखनऊ हो या फिर दिल्ली दमदार, हर किसी को ये कहते हैं आवा दे तुम्हें भी देख लेंगे इस बार। लेकिन अब इनके सामने है मयंक अग्रवाल की मजबूत वॉल, तो क्या इस मैच में भी होगा जय जय गर्मी गुजरात या फिर पंजाब की टीम रन बनाएगी अपराध। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2022 के 16वें मुकाबले की, जो कि पंजाब के किंग्स और गर्मी गुजरात के बीच में खेला जाने वाला है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 2 करोड़ जीतने का राज इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये बात करते हैं हमारे मैन ऑफ द सीरीज आक्रामक बल्लेबाज और शातिर गेंदबाज से। अब हर प्राइज लगेगा छोटा, क्योंकि माई 11 सर्किल दे रहा है इंडिया का सबसे बड़ा फर्स्ट प्राइज। तो माई 11 सर्किल पर टीम बनाओ। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। आइए सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के किंग्स की। तो पंजाब की टीम अब तक इस आईपीएल में 3 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से 2 में इन्हें जीत और 1 में हार मिली है। पंजाब की टीम अपना आखिरी मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से 54 रनों से जीत कर आ रही है। पंजाब की टीम में जॉनी बरिस्टो पिछले मैच से ही तैयार है वापसी करने के लिए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उन्हें कब मौका दिया जाता है, और मुझे जहां तक लगता है कि राजपक्षे की जगह जॉनी बरिस्टो को मौका देना ही चाहिए और गब्बर के साथ बैरिस्टो को ओपनिंग कराना चाहिए, जिससे मयंक अग्रवाल मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर पाएंगे और टीम को स्टेबिलिटी भी दे पाएंगे। बात की जाए अगर इनके स्ट्रेंथ की, तो पंजाब की विस्फोटक बल्लेबाजी इनकी सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ, गब्बर धवन, पिछले मैच के हीरो लियम लिविंगस्टोन और राजपक्षे, इनके पास 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं और सिर्फ 4 देने वाली बल्लेबाजी करना जानते हैं। राजपक्षे ने इस आईपीएल में 43 और 31 रनों की 2 विस्फोटक पारियां खेली हैं। वहीं लियम लिविंगस्टोन जिस तरीके से पिछले मुकाबले में चेन्नई के गेंदबाजों को कूट रहे थे, अगर आउट नहीं होते तो स्कोर 250 के पार जाता। और मैंने आपसे कहा भी था कि ये 19-19 रन जरूर बना रहे हैं, लेकिन काफी अच्छे टच में और जिस दिन टिक गए बड़ी ही मार मारेंगे। साथ ही साथ गब्बर धवन के बल्ले की गर्जन तो हम सब सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, और धवन भी इस वक्त बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और इस आईपीएल में 43 और 33 रनों की 2 डिसेंट पारियां खेल चुके हैं, और अब जरूरत है इन डिसेंट पारियों को बड़ी पारियों में तब्दील करने की। साथ ही साथ अगर इस मुकाबले में जॉनी बरिस्टो को मौका दिया जाता है तो इनकी बल्लेबाजी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। साथ ही साथ आखिरी मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ पंजाब के गेंदबाजों ने भी अपना जलवा दिखाया था और अपना पहला मैच खेल रहे वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट लिए थे। वहीं राहुल चहर लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और पिछले मुकाबले में 3 विकेट लेने के साथ साथ इस आईपीएल में अब तक 7 विकेट ले चुके हैं। वहीं अक्षरदीप सिंह और रबाड़ा तो इनके पास अलग से है ही। वीकनेसेस की बात की जाए तो पंजाब की टीम ओपनिंग में अच्छी शुरुआत नहीं कर पा रही है और इसका कारण है कप्तान मयंक अग्रवाल का खराब फॉर्म। जी हाँ, आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल पिछले 2 मुकाबलों से दहाई का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ शाहरुख खान भी अच्छे फॉर्म में नहीं है। वहीं पहले मैच के हीरो ओडियन स्मिथ भी पिछले 2 मुकाबलों से अपना जलवा नहीं बिखेर पा रहे हैं। ऐसे में लिमिटेड बल्लेबाजी पंजाब की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर विरोधी टीम शिखर धवन, राजपक्षे और लियम लिविंगस्टोन जैसे इनफॉर्म खिलाड़ियों को जल्दी आउट कर देती है तो फिर ये टीम भी सस्ते में निपट सकती है। उम्मीद है कि इस मुकाबले में जॉनी बरिस्टो के आने से ये समस्या दूर हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इस मुकाबले में धवन के पास एक बेहतरीन मौका है अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील करने। साथ ही साथ अपने पहले मुकाबले में धारदार गेंदबाजी करने वाले और 2 विकेट लेने वाले वैभव अरोड़ा के पास भी एक शानदार मौका है एक और धमाकेदार प्रदर्शन करने का। वहीं राहुल चहर के पास भी एक शानदार मौका है इस मुकाबले में 3-4 विकेट चटका कर पर्पल कैप अपने सर पर धारण करने का। थ्रेट्स की बात की जाए तो जॉनी बरिस्टो को टीम में किसकी जगह एडजस्ट किया जाए, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क कप्तान के सामने खड़ा है। जॉनी बरिस्टो को टीम में एडजस्ट न कर पाना पंजाब के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि पंजाब को जरूरत है जॉनी बरिस्टो जैसी बड़ी पारियां खेलने वाले बल्लेबाज की। आइए अब बात करते हैं गर्मी गुजरात की। तो गुजरात की टीम अब तक इस आईपीएल में 2 मुकाबले खेल चुकी है और दोनों ही मुकाबलों में इन्हें जीत मिली है। चारों तरफ इनकी जीत से हाहाकार मच रहा है और गुजरात की टीम जमकर तारीफें बटोर रही है और गुजरात की फैन फॉलोइंग भी बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। हार्दिक पांड्या बड़ी ही बेहतरीन तरीके से टीम की अगुवाई कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने खेल को भी उतने ही बेहतर तरीके से निखार रहे हैं। दोस्तों, गुजरात की टीम अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ इस मुकाबले में उतर सकती है।
बात कीजिए अगर इनके स्ट्रेंथ की तो गेंदबाजी गुजरात की सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ, जिस तरीके से मोहम्मद शमी और लुकी फर्गुसन गेंदबाजी कर रहे हैं, इन दोनों का सामना करने में विरोधी बल्लेबाजों के पसीने छूट जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मोहम्मद शमी अभी तक 2 मैचों में 5 विकेट ले चुके हैं, वहीं लुकी फर्गुसन ने आखिरी मुकाबले में 4 विकेट लेते हुए बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी की थी और इनकी गेंदें किसी को दिखाई भी नहीं दे पा रही थी। जी हाँ, लुकी फर्गुसन की स्पीड 150 के आसपास की हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ गुजरात के पास राशिद खान जैसा तुरुक्का इक्का भी है जो कि अभी तक सिर्फ 2 ही विकेट ले पाया है, लेकिन विरोधी टीम के दिमाग में राशिद का खौफ ही काफी है। वीकनेसेस की बात की जाए तो गुजरात की टीम बल्लेबाजी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और आखिरी मुकाबले में इन्होंने बोर्ड पर 170 प्लस का टोटल जरूर खड़ा किया था, लेकिन उस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल ने ही अच्छी बल्लेबाजी की थी और 84 रन बनाए थे। हालांकि हार्दिक पांड्या ने पिछले 2 मैचों में 30 प्लस का स्कोर जरूर किया है, लेकिन हर मैच में इनसे उम्मीद करना नाइंसाफी होगी। हालांकि इनके पास बड़े बड़े विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं, जैसे कि मैथ्यू वेट, किलर मिलर, जो कि अगर चले तो सिंगल हैंडेड मैच जिता सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इस मुकाबले में मैथ्यू वेड और किलर मिलर के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने फॉर्म को तलाशने का और अपनी टीम की इस कमी को दूर करने का। थ्रेट्स की बात की जाए तो फिलहाल गुजरात के लिए मुझे कोई भी थ्रेट नजर नहीं आ रहा है। आइए अब बात करते हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंस की फैक्टर्स की। तो पिछले मैच में 84 रनों की शानदार पारी खेलने वाले शुभमन गिल का रिकॉर्ड पंजाब के खिलाफ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और गिल इनके खिलाफ 7 पारियों में 225 रन बना चुके हैं और इनका औसत 56 से भी ज्यादा का है। कप्तान हार्दिक पांड्या पंजाब के खिलाफ 11 पारियों में 210 रन बना चुके हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही विकेट ले पाए हैं। पंजाब के खिलाफ एक हारा हुआ मैच जिताने वाले राहुल तेवतिया 6 पारियों में सिर्फ 106 रन ही बना पाए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद शमी अपनी एक्स टीम के खिलाफ ये मुकाबला खेलेंगे और पंजाब के खिलाफ ये 5 पारियों में सिर्फ जो है 3 विकेट ले पाए हैं। पंजाब के खिलाफ राशिद खान का रिकॉर्ड बड़ा ही जबरदस्त है और राशिद खान 10 पारियों में 18 विकेट ले चुके हैं। साथ ही साथ आपको एक कमाल की बात बता दें कि पंजाब की टीम इसी ग्राउंड पर चेन्नई जैसी टीम को हरा चुकी है। आइए अब बात करते हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंस पिच रिपोर्ट की। तो ये जो मुकाबला है सीसीआई के मैदान में खेला जाने वाला है, जहां पर अब तक 7 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 3 बार पहले बैटिंग करने वाली वहीं 4 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और आपको बता दें कि इन 7 मुकाबलों में 7 बार 170 प्लस का स्कोर बना है, यानी कि यहां की विकेट बल्लेबाजों को खूब फेवर करती है। आपको बता दें कि इस आईपीएल के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं और तीनों ही मुकाबले हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 2 बार चेस करने वाली टीम ने मुकाबला जीता है। वहीं आखिरी मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ पंजाब ने 180 का टोटल डिफेंड करते हुए 54 रन से मुकाबला जीता था और इन 3 मुकाबलों में कुल 38 विकेट गिर चुके हैं, जिसमें से 25 विकेट तेज गेंदबाजों को, वही 13 विकेट स्पिनरों को मिले हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि ये मुकाबला एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, बल्लेबाजों का दबदबा रह सकता है और हमें 180 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंस 5 के पंच की, यानी कि हमारे 5 प्रेडिक्शन की, जिसमें से 4 मैं अभी करूंगा और हमेशा की तरह एक वीडियो के लास्ट में। तो हमारा पहला प्रेडिक्शन ये है कि इस मुकाबले में मोहम्मद शमी को बड़ी ही मार पड़ेगी और गब्बर उनकी जमकर पिटाई करेंगे, साथ ही साथ मोहम्मद शमी 4 ओवरों में 35 से ज्यादा रन खर्च करेंगे। हमारा दूसरा प्रेडिक्शन ये है कि पंजाब के खिलाफ जबरदस्त रिकॉर्ड रखने वाले शुभमन गिल इस मुकाबले में अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे पाएंगे और 20 रन के अंदर अंदर आउट हो जाएंगे। और हमारा तीसरा प्रेडिक्शन ये है कि इस मैच में गब्बर के साथ साथ मयंक अग्रवाल का भी बल्ला चलेगा और इन दोनों खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी 60 या फिर 60 से ज्यादा रन करेगा। हमारा चौथा प्रेडिक्शन ये है कि अपनी एक्स टीम पंजाब के खिलाफ किलर मिलर के कुछ किलर शॉट्स हमें देखने को मिल सकते हैं और किलर मिलर 30 से ज्यादा रन बना सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के हमारे माय 11 सर्कल टीम की। तो टीम बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि माय 11 सर्कल पर आप रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा का कैश इनाम जीत सकते हो, साथ ही साथ लीजेंड्स को हराकर आप अपने कैश को 5 गुना बना सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे INE 2022 तो आपको 1500 रुपये के साइन अप बोनस के साथ साथ 20% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। माय 11 सर्कल का लिंक नीचे दिया गया है, डाउनलोड जरूर करना। मैं भी इसी पे अभी जो है फैंटेसी गेम्स खेल रहा हूँ और काफ़ी पैसे अर्न कर रहा हूँ, तो आप भी जरूर ट्राई करो, यहाँ पर जीतना सच में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जॉनी ब्रेस्टो को हमने एज ए विकेट कीपर अपनी टीम में लिया है, उन्हें वाइस कैप्टन भी बनाया है, कैप्टन हमने गब्बर धवन को बनाया है, किलर मिलर को टीम में शामिल किया है, द ग्रेट वॉल मयंक अग्रवाल इस मैच में वॉल बनकर खड़े रहेंगे, लियम लिविंगस्टोन, हार्दिक पांड्या 2 ऑलराउंडर्स, उसके अलावा 5 गेंदबाजों को फिलहाल अपनी टीम में मैंने लिया है, राहुल चहर, राशिद खान, कगिसो रामाड़ा, मोहम्मद शमी और वैभव अरोरा।
मैं इसमें से एक गेंदबाज को बाहर करूंगा और एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ जाऊंगा। वो बल्लेबाज कौन होगा ये जानना चाहते हो तो मेरे लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करना, साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। आपको यूजर आईडी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। फाइनल अपडेटेड टीम भी वहीं पर दी जाएगी। और हाँ, फेक चैनल से बच के, फेक चैनल ज्वाइन नहीं करना है। अब बात करते हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंस कौन साबित होगा दमदार। क्या इस मैच में गुर्राएगा गब्बर का बल्ला या फिर गर्मी गुजरात का एक बार फिर से होगा जय जयकार। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ मैच के दौरान मैच पर चर्चा करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि फाइनल टीम वहीं पर दी जाएगी। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार पंजाब किंग्स इस मैच में मचा सकती है बवाल। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू मी पंजाब किंग्स में विद ऑफ दिस मैच। दोस्तों, फाइनल और अपडेटेड टीम के साथ साथ फाइनली ये मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है ये मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा, साथ ही साथ अपने लाइव शो में भी बताऊंगा। तो लाइव शो 6 बजे से आता है, साथ ही साथ टेलीग्राम का यूजर आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप सिंपली सर्च कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इस मैच में पंजाब की टीम जीत हासिल कर सकती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि गुजरात एक बार फिर से अफरात रन बना सकती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ मिलकर क्रिकेट के मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद। वर प्राइज लगेगा छोटा, क्योंकि माई 11 सर्कल दे रहा है इंडिया का सबसे बड़ा फर्स्ट प्राइज। तो माई 11 सर्कल पर टीम बनाओ। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।